पिछले एपिसोड में रॉय को ये धोखा हुआ कि मटेरा क्लब का रेसर गैलेक्सी है। पॉल और पीट के साथ उसने मिलकर रेसिंग की तैयारी की। सब लोग ये देखकर चौंक गए कि रेसर गैलेक्सी नहीं सिंडी थी। सिंडी ने बहुत अच्छी तरह खेला और वह रॉय से 10 सेकेंड आगे थी। हार जाने के कारण रॉय को शर्मिंदगी हुई, इसलिए वो घर में ही छुप गया। लगता है रॉय ने हार मान ली, वो अपने ग्रैंडपा की मदद नहीं कर रहा है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? गलती हमारी भी है। हमारी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं रॉय को ढूंढ रही हूँ। वो घर पर भी नहीं था। शायद मैं जानती हूँ कि वो कहाँ है। उसकी फिक्र का दिखावा मत करो, हमें कार दे दो। अरे उसे जाने दो, सिर्फ वही रॉय की मदद कर सकती है। मुझ में बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। क्या मैं सही में इतना बुरा हूँ? रॉय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चली जाओ यहाँ से। तुम बाहर निकलने की गलती मत करना, क्योंकि तुम रेस हार चुके हो। तुम्हें इससे क्या मतलब? और प्रैक्टिस करो तो मुझे हरा सकते हो। मेरा मकसद तुम्हारे भाई को हराना है। तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे अकेला छोड़ दो। आई हेट यू। तुम्हें तंग करने की अब मेरी बारी है। बचाओ, मैं गिर रही हूँ। रॉय, मुझे बचाओ। क्या हुआ सिंडी? वहीं रुको, मेरा हाथ पकड़ी रहो, डरो मत। मुझे छोड़ दो। नहीं, तुम ऐसे भी मुझे माफ नहीं करोगे। तुम्हारे अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, ऊपर आने की कोशिश करो। डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। रॉय, मैं एक्चुअली चाहती हूँ कि तुम ट्रैक पे रेस करो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम सबसे अच्छी खिलाड़ी हो। क्या तुम मुझे रेसिंग सिखाओगी? सच में तुम्हें ऐसे लगता है? तुम्हारे भाई की कार लेने के लिए तुमने मेरी मदद की थी। पता नहीं मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ। ओ, जोर लगाओ। इट्स ओके, अब तुम मेरा हाथ छोड़ सकते हो, मैं खुद ही ऊपर आ जाऊंगी। हाँ? तुम मेरे साथ मजाक कर रही थी। अब तुम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। ओके। ये बहुत अच्छा है। क्या तुम जानते हो ये कौन है? नहीं। ये गैलेक्सी रेसिंग कंपटीशन का नंबर वन रेसर है, द डेविल फाइटर्स का लीडर। ये स्पीड ड्रैगन है। तुम्हें उनके बारे में काफी अच्छी जानकारी है। हाँ वो तो होगी, वो देखो। और ये इसकी खूबसूरत साथीदार है। उसने कितना मेकअप लगाया है, वो जरूर बदसूरत होगी। ओ, वो बहुत खूबसूरत है। तो तुम उसकी फैन हो? वो मुझसे भी अच्छा खेलती है। वो देखो, वो रेसर टीम में नंबर 3 है, स्पीड लेपर्ड। ये तो बेवकूफ लगता है। हे, वो बूढ़ा आदमी कौन है? वो द टाइटन एंटरप्राइजेस का सीईओ है। वो द डेविल फाइटर्स का बॉस भी है। कल स्टेडियम में उनका कार शो है, तुम्हें जरूर आना चाहिए। मैं जरूर आऊंगा। मुझे लगता था तुम्हें रेसिंग से नफरत है। अगर मेरे पास एक बेहतर कार होती तो मैं तुमसे हारता नहीं। अरे ये क्या है? क्या तुमने इसे माफ कर दिया रॉय? हम तुम्हारे लिए नूडल्स पार्सल कर रहे हैं। गैलेक्सी, मिस्टर मटेरा। अपने आप को इतनी तकलीफ मत दो, तुम पहले से काफी बेहतर हो। पर मैं अभी खुश नहीं हूं मिस्टर मटेरा। द डेविल फाइटर कल डिस्प्ले करेंगे, उससे सीख लेना, शायद तुम्हें कुछ और सीखने को मिल जाए। ग्रैंडपा, आप नया रेडियो क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे? जब ये टूट जाएगा तो मैं इसे इस्तेमाल करूंगा। मैं कल डिलीवरी में आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। क्या तुम कार शो में जा रहे हो? ग्रैंडपा, आपको कैसे पता? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, पर मैं तुम्हारे साथ ही बैठना चाहता हूँ। ग्रैंडपा, आपको भी रेसिंग पसंद है? मुझे पता नहीं था। देखो बेटा, तुम अपना वादा मत तोड़ना। ऑफ कोर्स नॉट, मैं सिर्फ खेल रहा हूँ। द डेविल फाइटर्स कल वहाँ होंगे और मिस्टर ताज, उनके सीईओ भी वहाँ होंगे। कल जरूर मजा आएगा। पर कल मेरी बात को नजरअंदाज मत करना। पॉल सुनो, सबसे कह दो कि जब ग्रैंडपा पास हो तब मुझे चैंपियन ना बुलाए। रॉय को द चैंपियन मत बुलाओ। रॉय को द चैंपियन मत बुलाओ।
रॉय, मेरी बात को नजरअंदाज नहीं करना। जरूर ग्रैंडपा, मैं मस्ती नहीं करूंगा। गैलेक्सी की बेस्ट रेसिंग टीम आने ही वाली है। मैं उनसे मिलने के लिए बेचैन हूँ। कुछ तो स्टाइल रखो, हम प्लैनेट येलो रिवर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये। Come on, शाबाश। ये बुढ़ा आदमी थोड़ा सा फनी है, वो कुछ अजीब सा दिख रहा है, आदमी कम कार्टून ज्यादा लग रहा है। लाइफ फैमिली को कार रेसिंग में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं है, अगर उन्होंने ऐसा किया तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। प्लेनेट येलो रिवर के दोस्तों, आज रेसिंग लवर्स के लिए बहुत ही खास दिन है। द टाइटन कॉलोनी और द टाइटन इंटरप्राइजेस की तरफ से और गैलेक्सी रेस टीम की तरफ से मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि आप सबके लिए बेहतरीन कार्स बनाते रहूंगा। जोगेम्बो खुश हुआ। थैंक यू, गुड बाय एंड एंजॉय द शो। थैंक यू मिस्टर ताज। Now please welcome the champion of the Galaxy Racer competition, the number one race team, the Devil Fighters. Yay! Speed Dragons. पास जाकर देखता हूँ। मेरी बात सुनो। Grandpa. मैंने कहा ना, तो मेरी बात सुनो। अरे ये लोग कौन है? सरकार, वो लोग द मटेरा रेसिंग क्लब से आए हैं। ये पागल किसी काम का नहीं। दोस्तों, क्या आप उन्हें देख सकते हैं? वो गैलेक्सी की सबसे फेमस टीम है, द डेविल फाइटर्स। हे रॉय, अगर तुम्हारे भाई ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। वो द डेविल फाइटर्स के रेस में बहुत बिजी है, वो बहुत ही बढ़िया टीम है। इसमें क्या बड़ी बात है, सिर्फ इनके कपड़े स्टाइलिश है और क्या। जब रेसिंग शुरू होगी तब तुम्हें पता चलेगा। पहला डिस्प्ले लेकर आ रहे हैं स्पीड लियोपार्ड। कूल स्पीड ड्रैगन द यूनिकॉर्न। उसके पास तुम्हारी जैसी कार है। यूनिकॉर्न को स्लोप्स के लिए डिजाइन किया गया है। इस कार के बेस द हॉर्न ऑफ यूनिकॉर्न, जो कि जंगल का जानवर है, उससे बनाई गई है। इसमें स्पेशल पावर्स हैं जो कार को ढेर सारी एनर्जी से और पावरफुल बनाते हैं। ये बहुत तेज है, ये इस दुनिया में सबसे बेहतरीन है। पढ़ा चढ़ा कर बोलना बंद करो। हाँ, पर वो अच्छी है। ग्रैंडपा, आप ही बताइए उसमें क्या खास बात है। वो तो मैं हमारी यूनिकॉर्न इसके सामने टिक नहीं पाएगी। ये एक स्पेशल कार है, ये तुम्हें नहीं मिल सकती। ये! इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए शुक्रिया। अब अगले आ रहे हैं स्पीड लो, ये है द इलेक्ट्रिक स्नेक। जो इस रेस ट्रैक पर सबसे तेज कार मानी जाती है, ये पाइथन की तरह तेज चलती है जैसे तेज बिजली। चलिए द इलेक्ट्रिक स्नेक के मालिक से मिलते हैं, स्पीड लो। वो बहुत ही अच्छा प्लेयर है। मुझे ये वो स्पाइरल ट्रैक की तरह बढ़ रही है, देखते हैं वो आज हमें क्या दिखाती है। ये स्पीड लो, स्पीड लो। ये रहा तुम्हारा आइडल। मुझे चिढ़ाओ मत।
यकीन नहीं होता, इट्स टेरिफाइंग स्पीड। थैंक यू स्पीड लो। और अगले आ रहे हैं। अरे यार, हम तो इनके सामने बच्चे हैं। क्या वो चीटिंग कर रही है? रॉय मत जाओ। वो पहले ही क्यों चला गया? स्पीड ड्रैगन, मैंने उसे पहले कभी ड्राइव करते हुए नहीं देखा। स्पीड ड्रैगन, मैं एक दिन तुम्हारे साथ भी रेस करूंगा। दोस्तों, द डेविल फाइटर्स ब्रेक लेने जा रहे हैं। स्क्रीन की तरफ देखो। ये क्या, वो इतना अच्छा? रॉय, मान लो तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, वो एक लीजेंड है। स्पीड ड्रैगन एंड स्पीड लो भाई बहन है। वो अनाथ थे, उन्हें ताज ने गोद लिया है। उन्होंने कड़ी ट्रेनिंग ली है और वो फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग है। उनमें बिल्कुल इमोशंस नहीं है। स्पीड ड्रैगन का टैलेंट और उसकी कड़ी मेहनत ने उसे जल्दी ही बेस्ट रेसर बना दिया है। उसका पहला गोल था नंबर 1 गैलेक्सी रेसर को मात देना, फिर प्लैनेट ईगल से जैक को, फिर उसने थंडरिंग हॉक को चैलेंज किया और उसका मुकाबला करने के लिए सालों तक कोई नहीं था, जब तक 9 साल के स्पीड ड्रैगन ने उसे गैलेक्सी चैलेंज के दौरान हराया। वो बहुत फेमस हो गया और वो तब से कभी नहीं हारा। अभी तुम्हें पता चला वो कौन है? हे, क्या हुआ? इसमें तो कुछ भी बड़ी बात नहीं है। लेटेस्ट न्यूज, मिस्टर ताज ने प्लेनेट येलो रिवर से रेसर्स को डेविल फाइटर्स के साथ रेस करने के लिए इनवाइट किया है। क्या होगा इस रेस में? ये लेट्स गो ब्रो, चलो द डेविल फाइटर्स से रेस करते हैं। हे, मैं भी आ रहा हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगे। ग्रैंडपा, मुझे प्लीज थोड़ी देर के लिए जाने दीजिए। बिल्कुल नहीं। रॉय, ग्रैंडपा की बात सुनो। गैलेक्सी, तुम क्यों नहीं जा रहे हो? मुझे सर्कस में नहीं जाना है, समझ गए तुम? अब आएगा असली मजा। जाओ देखो, द यूनिकॉर्न इज फ्यूरियस। ओह नो, ये क्या हो गया? Destroy him. Speed बढ़ाओ। तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? अरे ये क्या किया? तुम लोग रेस के लिए शर्म की बात हो। स्पीड लियोपार्ड बहुत ही अच्छा कर रहा है। द डेविल फाइटर्स बेहतरीन हैं। प्लेनेट येलो रिवर के रेसर्स के साथ इनकी कोई तुलना नहीं। लेट्स चीयर फॉर स्पीड लियोपार्ड। बहुत बढ़िया स्पीड लियोपार्ड। क्या आप मजाक कर रहे हो ग्रैंडपा? मुझे उसे सबक सिखाना ही होगा। बैठ जाओ तुम यहाँ। द डेविल फाइटर्स कितने रूड है, पर फिर भी उनके फैंस कितने एक्साइटेड है। मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ। हम उतने पॉपुलर कब होंगे पता नहीं। उन्होंने तुम्हारी बेइज्जती की और अभी तुम उनका ऑटोग्राफ चाहते हो? क्या आप पागलपंती है? टाइटन इंटरप्राइजेस का मिशन है। ये! 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 स्पीड लो, स्पीड लो, ऑटोग्राफ प्लीज। ओ चलो हट जा। उसने उसे धक्का क्यों मारा? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हे, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? क्योंकि तुम मेरे रास्ते में आ गई थी। क्या हुआ? तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें धक्का मारा? तो लड़की को धक्का मारना ही चाहिए। तुमने मेरी बहन की बेइज्जती कर रहे हो। माफी मांगो उससे। मैंने कहा माफी मांगो। माफी और उससे क्या मजाक है? ये इस क्लब का बेस्ट रेसर है, तुम खुद को हीरो मत समझो। इसके साथ रेस करो और उसे सबक सिखाओ। तुम लोग रेस करना चाहते हो, वो भी मुझसे। तुम में से कोई भी एक नहीं है जो मुझसे रेस करने के काबिल हो, समझ गए? रॉय, तुम वापस आ जाओ। गेट लॉस्ट ऑल ऑफ यू, गेट लॉस्ट।
रुक जाओ, मुझसे रेस करो वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, समझे? ये लड़का, ओह याद आया, ये ली नियो का बेटा है। टिम, मेरे सबर का इम्तिहान ले रहे हो, यू स्टूपिड ओल्ड मैन। अगर मैं जीता तो तुम्हें सिंडी से माफी मांगनी होगी। मेरा वक्त बर्बाद मत करो, मैं किसी अरे गरे के साथ रेस नहीं करता। मिस्टर ताज ने आदेश भेजा है। लेटेस्ट न्यूज, रॉय प्लेनेट येलो रिवर का रेसर मिस्टर ताज की इंस्ट्रक्शन के साथ लेपर्ड से मुकाबला करेगा। हे, हारने से अच्छा है माफी मांग लो। शट अप, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, समझ गए? कूल स्टूपिड फूल कहीं का। चलो देखते हैं कौन सबसे ज्यादा हिट्स ले सकता है। अरे तुम पागल हो क्या? चैलेंज और मुझसे हाँ। स्टूपिड फूल कहीं का। वो एक भी झटका नहीं ले सकता। मुझे पता था तुम आओगे। प्लीज रॉय को कोई चोट मत पहुंचाना। मैं उसे क्यों चोट पहुंचाऊंगा? लगता है मैं उसकी कुछ ज्यादा ही चिंता करता हूं। उसे मजा करने दो, उसे रोकने का कोई फायदा नहीं, वो वैसे भी एक सक्सेसफुल रेसर नहीं बन पाएगा। तुम्हारा परिवार बर्बाद होने वाला है। अगर लीनियो यहाँ होता तो उसे पता चलता कि उसका बेटा कितना यूजलेस है। ताज, मैं इन पागलों के साथ नहीं रहना चाहता। तुम अपने हद पार कर रहे हो। उसे रोकने का कोई फायदा नहीं, वो वैसे भी एक सक्सेसफुल रेसर नहीं बन पाएगा। तुम्हारा परिवार बर्बाद होने वाला है। अगर लीनियो यहाँ होता तो उसे पता चलता कि उसका बेटा कितना यूजलेस है। मैंने कितने साल झेला है और ये मैं जारी रखूंगा। मुझे अपने रॉय को रोकना ही होगा और मैं रोक कर ही रहूंगा। द पावरफुल टाइटन इंटरप्राइजेस, वो पूरी गैलेक्सी को रूल करता है, पर उनके सामने खड़े होने की हिम्मत किस्मत है। सामने आओ। हाँ, ये तुम हो? द डेविल फाइटर से अपनी हार की वजह से रॉय बहुत शर्मिंदा था। वो जहां भी जाता लोग उसे पहचानते थे। वो बहुत उदास था और रेस पर नहीं जाना चाहता था। वो रेसिंग छोड़ना चाहता था। जब सिंडी ने बताया कि मटेरा क्लब नए मेंबर्स ले रहे हैं, तो रॉय अब क्या करेगा?